क्या कोई ऐसा आइडिया है तेरे पास जो मैं 5 मिनट में और सिर्फ कम टैक्स लिख के और जल्दी से कोई डिज़ाइन बना लूँ? मतलब बहुत कम टाइम में 5 मिनट के अंदर बस टैक्स और इमेज के साथ प्ले करके कुछ सा, मतलब क्लीन और नीट सा एकदम पॉसिबल है कुछ ऐसा? भाई आइडिया तो है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे वाला रेड बटन है ना, उसे जाकर सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद तेरे को ना मैं अभी आइडिया बताता हूँ, मेरे पास है ऐसा आइडिया और मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ऐसे मैंने काफ़ी सारे आइडियाज, उससे पहले मैं वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर indiada.com पर, वहाँ काफ़ी सारे डिज़ाइन है इसी टाइप के, सिंपल फॉर्मेट में और क्लीन और नीट है, सिर्फ टैक्स और इमेज और बिल्कुल क्लीन। तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन ले सकता है तो चाहे तो। ठीक है, चल तो कंप्यूटर के और चलते एक नया डिज़ाइन बनाते हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस वक्त फोटोशॉप ओपन है मेरा, एंड यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी ने मेरा ये वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा, ये मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है, तो जाके इसको भी देखिए अगर आपको ये भी बनाना सीखना है। ठीक है, और अभी हम दूसरे वाला बना रहे हैं जिसके ऊपर टॉपिक है आज का सिंपल एंड क्लीन। उससे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाना चाहूँगा indiada.com पर, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो लेबर डे है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं। अगर आप चाहते हो यहाँ पर कोई डिज़ाइन डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आइए indiada.com पर और फ्री में डाउनलोड कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है, मैं आज आपको ये वाला डिज़ाइन आज मैं आपको जो बना के दिखाने वाला हूँ, जो सिंपल और बहुत कम टाइम में बनने वाला है, ये वाला मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइन मैंने ऐसे बनाए हुए जो सिंपल हैं, मतलब काफ़ी सिंपल है। अगर मैं दूसरे पेज पर यहाँ से जाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट वाला डिज़ाइन, ये ग्रीटिंग गांधी वाला, ये सिंपल है काफ़ी, बिल्कुल वाइट बेस्ड है, एंड यहाँ पर सिंपली आर्ट है, जो पेंसिल आर्ट वाला जो इमेजेस होती है वो यूज़ किया हमने, एंड देन टैक्स सिर्फ। और दूसरे वाले भी काफ़ी सिंपल है, जस्ट आपको पता होना चाहिए आपका टैक्स स्टाइल आप क्या रखने वाले हो, और आप सिंपली बस इमेज के साथ प्ले करके बना सकते हो। इसके आगे वाला भी काफ़ी सिंपल है, और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ ओनम है, कृष्ण है, एंड देन यहाँ पे जन्माष्टमी के ऊपर है। ये सब काफ़ी जल्दी बनने वाले डिज़ाइन है और सिंपल है, मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट को हम खेलते हैं तो। यहाँ पर मैं आपको अब दूसरे, अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं जो हम आज का टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बना रहा हूँ डिज़ाइन, तो हम चलते हैं अपने वापस से फोटोशॉप पर, एंड यहाँ से मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ फॉर शॉर्टकट की फॉर न्यू टैब, न्यू आर्ट बोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर 800x800, तो मैं यहाँ पर 1000x1000 रखने वाला हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा यही साइज चलते हैं, 1080 भी रखते हैं लोग बाग, और 1080x1080 और 1000x1000 रहते हैं। एक्चुअली होता क्या, सोशल मीडिया में स्क्वायर साइज चलते हैं डिज़ाइनिंग के, तो वहाँ पे जितनी पोस्ट होती है तो आप स्क्वायर में रख सकते हो, और स्क्वायर में आप कितना बड़ा रख सकते हो वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ से मैं हिट ओके करता हूँ, देन हमारी एक न्यू विंडो बन चुकी है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर पर, यहाँ पर जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है एडजस्टमेंट लेयर होती है। और फर्स्ट, अगर आपने आपको ये समझ नहीं आएगी बेसिक चीज़ें है तो आप मेरे ट्यूटोरियल पे जा सकते हो, मैंने पूरा ट्यूटोरियल फोटोशॉप का बिगिनर फोटोशॉप पूरा पढ़ाया हुआ कोर्स, तो वो आपको आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, एंड उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सॉलिड ग्रेडियंट लूँगा। ठीक है, इस एरो पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट लूँगा, और यहाँ से लाइनें से मैं हटा के इसको रेडियल कर दूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको रिवर्स करूँगा, एंड यहाँ पे मैं वापस पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको वाइट ले लूँगा। यहाँ पर जो एरो नज़र आ रहा है ये पॉइंट, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो पैनल ओपन हो जाएगा कलर के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से कलर पिक करूँगा, थोड़ा ग्रे कलर लूँगा। ठीक है, इट लुक फाइन, जस्ट सिंपली थोड़ा सा और मैं इसको वाइट के करूँगा। ठीक है, और हिट ओके करूँगा। ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पर लास्ट पैनल है, मैं इसको ओके करूँगा, एंड ये फाइनली अभी हमारा बैकग्राउंड रेडी है। और इसके बाद मैं करने वाला हूँ अब अपना, यहाँ से मैं इस पर एक बैकग्राउंड में थोड़ा टेक्सचर बनाने की कोशिश करूँगा ब्रश के साथ। तो मैं यहाँ से एक खाली एडजस्टमेंट लेयर लूँगा, ब्लैंक एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ इस आइकन से आपको एडजस्टमेंट लेयर मिल जाएगी,
ठीक है, और यहाँ से मैं ब्रश जाऊंगा ब्रश पे, एंड देन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं चूज करता हूँ ये वाला ब्रश, ठीक है, और इसका साइज कुछ इंक्रीज कर लेता हूँ मैं इतना, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको जो हमारा ओपन ब्रैकेट वाली की होती है, अगर मैं उसको इंक्रीज कर उसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ से ये साइज बड़ा हो जाएगा इसका, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको दो तीन बार प्रेस करता हूँ और डेट्स इट ना। अब मैं करूंगा क्या कि मैं इसका थोड़ा ओपेसिटी कम करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा सिर्फ 50% और यहाँ पर कुछ 50 नहीं, मैं इसको 30% करूंगा, ठीक है, और अभी ये हमारा टेक्सचर कुछ बैकग्राउंड बन चुका है सही। और सबसे पहले हमेशा याद रखे कोई भी डिजाइन बना रहे तो हमेशा सेव लेके चले, सेव करके चले हमेशा, ठीक है, वरना आपका अगर सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो सब फाइल चली। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल जाऊंगा और यहाँ से मैं वन सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लूंगा और टेक्स्ट से मैं यहाँ पर टाइप करूंगा वन। सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसका नंबर बढ़ा देता हूँ, अराउंड कर देता हूँ 31 और यहाँ पर करता हूँ मैं वन, ठीक है, और इसको कंट्रोल टी करके मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फॉन्ट रखने वाला इम्पैक्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा कुछ अराउंड इतना बड़ा बिकॉज मैं सेंटर में रखने वाला हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका कलर करूँगा कुछ सिमिलर रेड। ओके, तो मैं यहाँ पर कलर अपना ये रख रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद अब मैं जाऊँगा यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर इस वन के साइड में मैं थोड़ा क्रिएटिव करने के लिए इसको सेलिब्रेशन लिखने वाला हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको इसी फॉन्ट में मैं सेलिब्रेशन लिखूंगा, ठीक है, और इसका मैं कलर कर दूंगा ब्लैक, ठीक है, और यहाँ से मैं इम्पैक्ट नहीं मैं अब इसको रखने वाला हूँ यहाँ पर, मैं इस वाले जो अब वन रोल इसके जगह मैं अब यूज करूँगा यहाँ मॉन्स्टोरेट, ठीक है, यहाँ पर मैं रखूंगा मॉन्स्टोरेट फॉन्ट अपना क्योंकि आई लाइक बहुत अच्छा फॉन्ट है ये, और यहाँ पर मैं सेलिब्रेशन आई थिंक ये मैनुअल करूँगा थोड़ा तिरछा हो सकता है तो मैं इसे रोटेट करूँगा 180, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा प्लेस करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक इमेज लाऊंगा अपनी, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इमेज PNG कट की हुई है, अगर आपको कट करनी नहीं आती अगर आप नए नए हो तो मैंने आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर मैंने PNG करनी बताई हुई है कि कैसे हम PNG कट कर सकते हैं, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ से मैं ओके, तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी इमेज कट की हुई है तो मैं अपनी इमेज के लिए मैंने मैं अपनी इमेज उठा के ले आता, ठीक है, और यहाँ पर छोटा करके बस मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, नाउ इज बेटर यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसके बाद अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं सेलिब्रेशन को, ठीक है, कंट्रोल टी करके मैं इसको छोटा करूँगा और मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँगा जो अपने एरो है उनके हेल्प से मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ इसको, ठीक है, और मैं यहाँ रेगुलर से इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर नो रेगुलर, ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर से, और फिर मैं इसको ओल्ड के साथ ड्रैग करके ला रहा हूँ तो इसकी एक नई कॉपी क्रिएट होगी, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल टी करके इस पर राइट क्लिक करूँगा तो रोटेट 90 डिग्री कर लूँगा इसको, ओके, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा अब इसमें मई वो भी कैपिटल लेटर में, ठीक है, और यहाँ पर जो इसका बीच का गैप है वो मैं 0 कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर बोल्ड, ब्लैक करना पसंद है ज़्यादा, मतलब बोल्ड ज़्यादा मुझे ब्लैक चाहिए यहाँ पर तो मैं इसको ब्लैक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा इस साइड अपने इस हैंड के नीचे मैं रखूँगा इसको और इसका कलर भी मैं सेम ही कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको ओल्ड के साथ कॉपी बना लेता हूँ नई और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ लेबर, ठीक है, यहाँ पर लिखने वाला लेबर और मैं इसको करने वाला हूँ इस वक्त रेगुलर
ट्राई करते हैं कौन सा बेस्ट है, ठीक है, क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमारे साथ। यहाँ मीडियम एंड लाइट, यार लाइट इज गुड। और यहाँ पर जो बीच का गैप है इन दोनों, इस वर्ड के बीच में जो गैप है, एक एक वर्ड का गैप, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अराउंड मैं इसको कर रहा हूँ 300। तो अभी जो हमारा जो बीच का गैप है मैं उसको बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ 298 था, तो मैं इसका बीच का जो गैप है वो बढ़ाऊंगा अपना, ठीक है। हमारा जो बीच का गैप बढ़ता है वो इस वाले एरिया से बढ़ता है, ठीक है, और जो बीच वाला गैप होता है ये सब। और मैं इसको यहाँ पर इसका थोड़ा छोटा कर दूंगा, कंट्रोल टी करूंगा और इसको रीसेलेक्ट, मतलब इसको साइज छोटा करूंगा कंट्रोल टी प्रेस करके। एंड यहाँ से मैं इसका एरिया फिर से बढ़ाऊंगा, 600 नहीं काम कर रहा तो मैं इसे और इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगा कि जब हमारा क्या होता है, हमारे पास मैनुअली अगर हम सेंटर में कुछ चीज़ों को रखते हैं तो क्या होता है कि हम मैनुअल नहीं कर पाते, अगर एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने लेयर को सिलेक्ट करना जिसको आपको सेंटर करना है, कंट्रोल ए करना। इससे होगा क्या कि आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा आर्टबोर्ड का, एंड देन आपको ऊपर जो ऑप्शन है ये अवेलेबल हो जाएगा, वैसे ये हाइड होते हैं फिर अनेबल हो जाएगा ये तुम्हारा काम करने के लिए। अब यहाँ सेंटर वाले पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर कर देगा उस लेयर को, ठीक है। तो ये प्रो टिप थी, ओके। तो और अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से उठाऊंगा माइक को, इसको एक और कॉपी करके नीचे लाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा डे, ठीक है, और इस लेबर डे का बस इनका मैं थोड़ा गैप कम करूंगा नीचे का, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये ठीक है मेरे अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर मैं जो ये मेरा लेबर लिखा है मैं इसका कलर करना चाहूंगा थोड़ा ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी ये फाइनली मेरी तरफ से बिल्कुल फाइनल हो चुका है, बट इसके अंदर कुछ और चीजें हम डाल सकते हैं। जैसे ही मैंने अपना पुराना बनाया था उसमें मैंने कॉर्नर में लिखा था ये दोनों आइकन लगाए थे, और तो हम ये चीजें भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना साइड में ये कर लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा ब्रांडिंग है, जिस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन बना, जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो उसका बॉटम में हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि यहाँ पर हम ये चीज़ें रेगुलर में रख लेते हैं और इसको हमेशा छोटा रखते हैं हमेशा, ठीक है, जब भी हम ब्रांडिंग के लिए कुछ कर रहे हो। और यहाँ पर इसके बीच का थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं, क्योंकि छोटी चीज होती है अगर उनके बीच में गैप होता है तो रेडिबली बढ़ जाती है, ठीक है। और डेट्स इट, तो अभी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सिंपल तो है काफ़ी और आपको समझ भी आया होगा। अगर कोई बंदा बिल्कुल अभी बिगिनर था उसका ये समझ नहीं आया तो मैंने कोर्स दिया हुआ है आई बटन में ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से पढ़ लीजिए। और काफ़ी इजी था, बस सिंपल और टेक्स मैंने बताया। indiator.com पे जाइए हमारी वेबसाइट पे, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे काफ़ी सारे सिंपल मैंने बताया कि हम कैसे, मतलब बहुत सारे मैंने जो अपने आप बताया आपको कि आप यहाँ पर जाकर डिज़ाइन अपने उठा सकते हो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट पे हैं, इन पर प्रैक्टिस कर सकते हो अपना उठा करके और अपना यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको कुछ समथिंग न्यू पढ़ने को मिला होगा यहाँ पे। तो मिलता है अगली वीडियो में।